ना, मौत का डर यूं भी नहीं है कि जिंदगी और मौत वैसे भी इंसान के हाथ में नहीं है। इंडिया आज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, दिलीप साहब के गुजर जाने के बाद भी श्रद्धांजलि का सिलसिला हमने जारी रखा है। ऐसे मजे हुए कलाकार का आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उनका दिलीप साहब के साथ पारिवारिक रिश्ता रहा। उनका नाम है अवतार गिल साहब। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है अवतार गिल साहब। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक्टिंग को दुनिया में थिएटर से लेके बड़े पर्दे से छोटे पर्दे तक काम किया है। आज दिलीप जी के ऊपर उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने एक पिक्चर में उनके साथ काम किया था। दिलीप जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, ये बताइए। देखिए, दिलीप साहब से मेरी मुलाकात पहली बार हुई जब राम और श्याम पिक्चर रिलीज़ हुई। अब कैसे हुई कि मैं स्कूल से वापस आ रहा था, हाफ पैंट पहने हुए, 13-14 साल का होऊंगा, और साइन रूप में रूपम थिएटर हुआ करता था, उसमें ये पिक्चर लगी हुई थी। तो उस थिएटर के अंदर जो कैंटीन थी ईरानी की, वो ईरानी लड़का मेरी बिल्डिंग में रहता था। तो मैं अंदर घुस गया तो मैंने उसको कहा कि ये अंदर बिठा देना, पैसे तो होते नहीं थे। तो उसने कहा चल ठीक है बैठ जा। ये फ्राइडे का दिन था, 6 बजे का शो, और मैं अंदर जाके फिल्म देखी तो मैंने दिलीप साहब को पहली बार देखा। और एक्टिंग वैक्टिंग की तो कोई समझ थी नहीं, वैसे अब भी ज़्यादा नहीं है। तो 13-1 साल की उम्र होगी और मैं देखता रह गया। मैंने कहा ये आदमी कौन है, क्या है, क्या कर रहा है। और पिक्चर देख के आया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या है। अगले दिन शाम को 6 बजे फिर गुजरा, फिर मैंने उसको कहा यार मुझे बिठा दे। तो उसने कहा सीट नहीं है। मैंने कहा मैं दरवाजे पे खड़ा हो जाऊँगा। आप यकीन मानिए भाई, मैंने 5 दिन लगातार 6 से 9 पिक्चर देखी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। और मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अलग दुनिया से। और घर में आके उन दोनों, इतना छोटा सा एक टेप रिकॉर्डर था, उसमें मैं श्याम के डायलॉग जो थे वो रिकॉर्ड करके बार बार उनकी तरह इमिटेट करता और उनको सुनने की कोशिश करता। तो हमसे तो क्या हो गया, तब भी नहीं हुआ और अब भी नहीं कर सकते हम। तो ये मेरी पहली मुलाकात दिलीप साहब से हुई। उसके बाद मैं कॉलेज में आ गया। तो कॉलेज में आने के बाद फिर उनकी जितनी पहले की ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी वो हमने एक एक करके मैटनी शो में, रूपम सिनेमा में ही कॉलेज से बंक करके देखी। तो मुझे समझ में आया कि भैया इनसे बड़ा एक्टर ना आया है ना आएगा। उस दिन से मैंने उनको भगवान मान लिया, खुदा मान लिया, और मैं उनका फ़ैन नहीं हुआ, मैं उनका भक्त हो गया। और मैं अब तक उसी बात पे कायम हूँ कि वो खुदा है मेरे लिए, वो मैं उनका भक्त हूँ बस। और इससे बड़ा एक्टर मैं हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में किसी को नहीं मानता। और बहुत कम लोगों को पता है कि ये वर्ल्ड के पहले मेथड एक्टर हैं। कुछ लोग मार्लिन ब्रांडो को समझते हैं, लेकिन मार्लिन ब्रांडो 48 में आए थे, ये 44 में आए थे। आज इंडियन सिनेमा को 108 साल हो गए हैं और दिलीप साहब 22 में पैदा हुए थे, यानी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। तो दूसरा दिलीप कुमार तो आया नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 100 साल, क्या 1000 साल तक दिलीप साहब पैदा नहीं हो सकते। आपने दिलीप साहब की कौन सी पिक्चर जो देखी जो आपको याद है अभी? देखिए, पहली तो मैंने बताया राम और श्याम मैंने 5 दिन लगातार देखी स्कूल से, 6 से 9 साइन थिएटर में। उसके बाद जब कॉलेज में आ गए तो फिर हमने आके देखी मुगले आज़म। और मुगले आज़म यकीन मानिए मैंने कुछ 30-35-40 बार देखी है और अब भी देख सकता हूँ, और जहाँ से कहो वहाँ से देख सकता हूँ। फिर मैंने 30-35 बार उनकी गंगा यमुना देखी, अब भी देख सकता हूँ और रिसेंटली देखी भी थी, और जितनी बार कहो। कुछ 15-20 बार मैंने देवदास देखी, दिल दिया दर्द लिया देखी, आदमी देखी। मतलब कौन सी फिल्म है जिसको आप नहीं दे सकते। और गंगा यमुना जैसी पिक्चर में मैं अब भी, इतनी उम्र होगी 40-42 साल हो गए फिल्म लाइन में, वो उसका सीन देख के मैं रो पड़ता हूँ। और वो कहता है कि
कैरेक्टर कहता है कि हम तो बर्बाद हो गए मुन्ना तुम्हारे बिना, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, और मैं जार जार बच्चों की तरह रोना शुरू होता हूँ, तो ऐसा लगता है यार इसके साथ वाकई हुआ है। ये आदमी कमाल है, ये डाकू भी लगता है, किसान भी लगता है, शहनशाह भी लगता है, शहर वाला भी लगता है, सोफिस्टिकेटेड भी लगता है, शराबी भी लगता है। क्या चीज़ है जो उन्होंने छोड़ी है, और 60 साल में सिर्फ 60-61 फिल्में करना, उसमें से भी 4 गेस्ट अपीयरेंस की है। एक्चुअली तो 56 फिल्म है, ये कोई बोलता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं हनुमान हूँ उनका। तो मतलब कोई छोड़ा ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो उनसे बचा हो, या जिसके अंदर थोड़ा बहुत दिलीप कुमार ना हो। जो कहता है मेरे अंदर नहीं है, वो झूठ बोलता है, मैं नहीं मानता। दिलीप साहब वो आफ्ताब है जिससे रोशनी उधार लेके हम जैसे ना जाने कितने चिरागों ने रोशनी पाई है। अवतार जी, ये बताइए, जब आपको दिलीप जी के साथ काम करने का मौका मिला, आपका रिएक्शन क्या था, और कौन सी फिल्म थी, और कैसा अनुभव रहा? भाई ये मशाल पिक्चर के बारे में हमको पता लगा कि यश जी ने राजकमल स्टूडियो जो है वो 3 महीने के लिए बुक कर लिया है, और उसमें धारा भी लगा है, और कमाल का सेट है, और कमाल का था। हमने कहा हम देखने जाएंगे। तब तक मैं उनके साथ नूरी में काम कर चुका था। काम क्या कर चुका था, शहीदों में टीका लगाया हुआ था। मुझसे कहा था कि आप चलिए साथ में, अगर कोई सीन हुआ तो आप करिए, नहीं तो आप प्रोडक्शन कीजिए। तो वो मुझे जानते थे नाम से और शक्ल से, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी करीब जाने की। तो राजकमल में मैं बेंच पे बैठा था, जहाँ मंगेश देसाई साहब मिक्सिंग करते थे। उसके बाद दूर मैंने देखा यश जी और जावेद साहब खड़े थे, उन दोनों को बात करते हुए। अचानक घूमे यश जी, तो थोड़ी देर देखा मुझे, बोले पंजाबी में बात करते थे, काका इधर आ। मैं गया, मर्सिडीज गाड़ी चला लेते हो? तो मैंने बिना कुछ सोचा, हाँ जी चला लेता हूँ, चला लूँगा। अब हम फीएट के अलावा किसी गाड़ी में बैठे नहीं थे, मर्सिडीज के साथ खड़े रह के कभी फ़ोटो नहीं खिंचाई थी। तो बोले दिलीप साहब के साथ रोल है, उनके ड्राइवर हैं, उनके साथ रहते हैं, वो जिसको मैन फ्राइडे बोलते हैं, वो हो तो काम कर रहे हैं भाई, मैं बताता हूँ शूटिंग। तो हम तो रात भर सोए नहीं खुशी के मारे। तो रोल क्या था उनके साथ, कहीं खड़ा हूँ, कहीं बैठा हूँ, कहीं चिता जल रही है, कहीं वो गैम्बलिंग कर रहे हैं लेफ्ट में बैग लेके, ये वो। एक सीन था क्लाइमेक्स में जिसमें मुझे वो एक लाइन पूछते हैं कि मोहन क्या खबर लाए, और मैं 4-5 लाइनें बोलता हूँ अनिल कपूर के बारे में, वो सीन था। तो मुझे तो लगा ज़िंदगी सफल होगी, और क्या चाहिए। मैंने तो ये कहा था कि मुझे पीछे पेंटिंग होती जो बैकग्राउंड में, वहाँ खड़ा कर दिए, लेकिन दिलीप साहब के साथ खड़ा कर दिए। वो फिल्म मैंने की, किसी को पता नहीं चला मैं उसमें था सिवाय मेरे। मैं लोगों को कहता रहा, ये देखो ये मैं हूँ, 82 की बात है। वो फिल्म रिलीज़ हुई, सबने देखी, आई गई हो गई। हमारा कोई उनके साथ ताल्लुक नहीं, ना हिम्मत ना औकात कि उनसे बात करें या उनके करीब जा सकें। 90 के आसपास फिर अपना एक फ़ोन आया, हम तो जूते तोड़ते स्ट्रगल करते घूमते ही थे। तो बोले एक फिल्म बन रही है आग का दरिया, उसमें एक रोल है। मैंने कहा जी ठीक है। तो हम तो पूछते तो ये नहीं थे, हिम्मत नहीं थी, क्या रोल है? पता चला कि अमरीश पुरी साहब के हंचमैन का रोल। तो उसमें कोई ख़ास रोल वोल नहीं था, एक ऊटी में सीन विन किया था, पद्मिनी कोल्हापुरे को किडनैप करके उठा के गाड़ी में डालते हैं। बेंगलोर में किया था डॉक्टर लाऊ का, मैं मर्डर वर्डर करता हूँ, बाकी मैं दूर से दिलीप साहब को सेट पे देखता था। कोई बातचीत नहीं हुई, फिल्म कंप्लीट हो गई, फिल्म लगी नहीं आज तक, हो गया। हमारा कोई उनके साथ ताल्लुक नहीं, कोई एडमायरर दूर से देख के चेहरे पे रौनक, यार गॉड यार ये क्या है यार, ये कैसे बना यार, ऐसा दिल भराता था, गला भराता था। 94-95 में मेरे दोस्त है रमेश तलवार साहब, जिन्होंने दुनिया डायरेक्ट की थी, मैं उनके पास बैठा था। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले यार दिलीप साहब ने बुलाया, चल साथ में। तो अंधे को क्या चाहिए, दुआ क्या? मैंने कहा चलो। मैं चला गया कांपते हुए, पहर वहर बैठा, उनको आदाब, चाय वाय आ गई, चाय पी बैठे, वो दोनों बातें करते रहे, और मैं कुछ बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा देता था, और जैसे एक बच्चा चांद को देखता ना, ऐसा स्पेल बाउंड बिना आँख झपके हुए
ऐसे देख रहा हूँ, और वो धीरे धीरे बात करते थे और पंजाबी में बोलते थे, वो पाकिस्तानी पंजाबी में, वो सबके साथ पंजाबी में बात करते थे, भूल जाते थे सामने वाला पंजाबी है भी कि नहीं। तो मैं एक बार, दो बार, तीन बार, धीरे धीरे मुझे वो हर बार ले जाने लगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, एक आध बात कर देता था, एक आध बार ईद पे शीर कोरमा भी खिलाया, तो उनके साथ थोड़ा मैं खुल गया। 97 में उनकी पिक्चर किला शुरू हुई, तो आई एम थैंकफुल टू मेरे दोस्त उमेश मेहरा साहब, उन्होंने मुझे उस पिक्चर में कास्ट किया। उसकी वजह से, उस आखिरी फिल्म की वजह से मैं दिलीप साहब के करीब आया, उनको जाना, उनके पास बैठा, सुना, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 15 दिन गुजारे मैंने उनके साथ। उनके बाद मेरा रابطہ बन गया, मैं घर आने जाने लगा, ईद पे, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे फ़ोन पे बात करता था उनके साथ। और मज़े की बात है कि उस वक्त ये सेल फ़ोन नहीं था आया, तो मैंने उनके बर्थडे पे मैंने लैंडलाइन से फ़ोन किया। पर्सनैलिटी देखो क्या होती है, तो एक नौकर ने उठाया, कौन बोल रहा है, दूसरे ने उठाया, कौन बोल रहा है, तीसरे ने उठाया। हमारा नाम भी लोगों को सोचेंगे अवतार गिल, अजीब नाम है, कौन है ये। मैंने कहा यार इनसे बात नहीं होगी, तो इन्होंने आके जैसे ही कहा हेलो, यकीन मानिए मैं अपने बेडरूम में खड़ा हो गया फ़ोन लेके। तो मेरी बीवी आ गई, खड़े क्यों हो गए, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। जी साहब, जी साहब जी बोलता था, जी साहब जी, हाँ जी सर, साहब जी बर्थडे मुबारक हो सर, हाँ जी साहब जी, भाई तुम पहले तो मुझे अपना टेलीफोन नंबर लिखाओ, लिख दिया। फिर मैंने कहा जी दूसरा लिखिए। दूसरा किस लिए, ये रईसी किस लिए भाई, हैं, ये फिल्म लाइन के भरोसे नहीं रहना, यहाँ कुछ पता नहीं है, ये जो दूसरा फ़ोन है किसी पीसीओ वाले को दे दो, तो वो हर महीने आपको कुछ ना कुछ देता रहेगा, फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं। बोला यार क्या पते की बात बोली, और मुझे से आदमी को। फिर पंजाब में तू आ जा कदे मिलने वास्ते, मैंने कहा जी अरे क्या चाहिए और आ जा। मैं साहब आना जाना शुरू हो गया, बैठना शुरू हो गया। फिर उस फिल्म के आउटडोर किया हमने, हैदराबाद में किया, हरियाणा में किया, और एक और खंडाला में किया। खंडाला में रात को खाना खाने के बाद रात को 1 बजे मुझे चल वॉक करते हैं, तो 1 बजे हम दोनों वॉक कर रहे हैं, तो 1 बजे भी कोई फ़ोटो खिंचवाने आ रहा है। अरे भाई आपको नींद आती है कि नहीं, क्या बज रहा है, अभी 1 बज रहा है, आप इस वक्त तस्वीर खिंचाओगे, हैं किस किस्म के इंसान। मैंने कहा सर कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा साहब जी आप कहाँ पढ़े हो, बोले मैं खालसा कॉलेज में। मैंने कहा खालसा कॉलेज बम्बई में, बोले हाँ सर मैं भी खालसा कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। हैं उनके चेहरे पे, तू उसी कॉलेज का पढ़ा। मैंने कहा जी सर आप कब थे, बोले मैं 42 में था। मैंने कहा जी मैं 72 में था। ओह बहुत बाद में, बच्चा है तू। मैंने कहा जी मैं तो बच्चा ही हूँ आपका। फिर मुझे बताने लगे, बोले मैं फ़ुटबॉल खेलता था, बहुत फेमस था, और आसपास के टैक्सियों वाले आ जाते थे मेरा फुटबॉल मैच देखने के लिए, और मुझे बोलते खान साहब मारो मारो गोल मारो, खान साहब गोल मारो। तो मैंने, मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र महसूस होता, मैं छाती चौड़ी करके कहता हूँ कि मैं और दिलीप साहब एक कॉलेज के पढ़े हुए हैं, मेरे लिए इतनी बड़ी बात है। इसी तरह मैं एक ईद पर गया था, तो उनके घर में कुछ कपड़े वाला आया हुआ था, वो कपड़े खरीद रहे थे, तो उन्होंने एक उठा के शर्ट मुझे दे दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, और रख ले ईदी है, तो मुझे ईदी का मतलब भी नहीं पता, मैंने पकड़ लिया। ये 95 की बात है, ये वो शर्ट है उनका दिया हुआ, इसको 25 साल हो गया मैंने दिल से लगा के रखा हुआ। मैं साल में एक बार या मैक्सिमम कोई स्पेशल वजह होती है उस दिन पहनता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि दिलीप साहब की मैंने फिल्में देखी, फिर उनके साथ बैठा, फिर उनके साथ वक्त गुजारा, उनको छुआ मैंने हाथ से, उनको महसूस किया। और मुझे लगता था कि यार और क्या चाहिए मुझे, और मतलब नाशुकरा होऊंगा मैं अगर इसके बाद भी कंप्लेन करूं, तो कितने लोगों को मिल पड़ता। मैं भी उनकी ज़िंदगी के अपना 44 से ले जाके 95 में 50 सालों के बाद उनके करीब आया, ना कभी नज़दीक जा पाया, ना कभी बात कर पाया, ना तो ऐसी ऐसी यादें उनके साथ
हरियाणा में सुबह मुझे उमेश मेहरा कहते थे, परवेश मेहरा प्रोड्यूसर, जा भाई साहब ने उठा, मतलब परवेश जी आप जाइए, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो मुझे मेरी ड्यूटी लगाई थी या हुमायूं मिर्ज़ा साहब की, उनको अटेंड करना चाय पे खाने पे ये वो, और हम इंफॉर्मेटिव सीन करते थे ना, तो ऐसा नहीं होता था कि ये तो ड्रामेटिक सीन नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं है, तो इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ से आया होगा, यहाँ गोली चलाई होगी, यहाँ उसमें भी वो वही तवज्जो देते थे जो पिक्चर के बेस्ट सीन में देते हो, उसमें भी टाइम लगा था। और मुझे बोलते थे, मैं बार बार उनकी एक बात बोलता हूँ, बोले काका फिल्म चलना ना चलना ऊपर वाले के हाथ है, मगर साडा काम पुख्ता होना चाहिए, हमारे काम में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मैं बोला 50 साल के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार, ये सिंसियरिटी, ये लगन, ये तो काम नहीं, ये तो इबादत है यार, और कुछ है ही नहीं, सुबह से शाम तक। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैंने सुना चोपड़ा साहब पिछले 30 साल से आपको बागबान सुना रहे हैं, आप कर नहीं रहे। बोले यार मैं रोने धोने की पिक्चरें कर करके थक गया, कैंसर से मर गया, टीबी से मर गया, लीवर फेल होने से मर गया, चाकू से मर गया, गोली से मर गया, अब कोई कॉमेडी पिक्चर हो तो मैं करूं, इसलिए मैं, वरना बागबान दिलीप साहब के लिए वो कहते हैं 30 साल वेट किया करने वाले थे, मैं कहा साहब जी कर लो ना, तो बड़ी कमाल की बात की, हिम्मत चाहिए ये बात करने के लिए पंजाबी में। बोला काका बहुत हो गया, उन सारी ज़िंदगी यही करते रहोगे, बस हो गया ना यार, कितनी एक्टिंग कराँगे। तो मुझे लगा ऐसे ही बोल दिया, प्रोफेशन को कौन मना करता है। आप यकीन मानिए वो बात उनके मुंह से निकली, वो सच हुई, उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। तो मुझे वो जो कैजुअली बातें करते करते कह गए थे, मतलब उन्होंने सोच लिया था कि अब नहीं करूँगा, बहुत हो गया उस, आज देखिए आज 24-25 साल हो गए, उसके बाद उन्होंने फिल्म नहीं की। अवतार जी ये बताइए कि कौन सी फिल्म आपको ऐसी लगी दिलीप साहब की जो आपके दिल में घर कर गई। बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत सारी हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि 30-30, 35-35 बार देखी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तानी सिनेमा को 108 साल हो गए, 108 साल में अगर आप कहें कि किसी भी एक्टर का हिंदुस्तान में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा एक अपना जाती ओपिनियन है कि 108 साल में अगर किसी एक्टर ने बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक हिंदुस्तानी सिनेमा में दिया है तो वो दिलीप साहब ने गंगा जमुना में दिया है। किसी का बाप नहीं कर सकता, इतने सोफिस्टिकेटेड आदमी, पढ़े लिखे आदमी, सूटेड बूटेड आदमी ने जब अवधि बोलने पे आए हैं वो, तो क्या अवधि बोली है, क्या उन्होंने बैलगाड़ी चलाई है, और जब घोड़े चलाने की बात आई थी तो क्या नया दौर में घोड़ा चलाया था उन्होंने। आप देखिए नया दौर का क्लाइमेक्स जो है वो स्टूडियो में किया हुआ है, बैक प्रोजेक्शन उस टाइम पे, तो वो कहता है भाग राजा भाग, वो पैसे वाला है, अपने पास कुछ नहीं है, भाग, हंटर मार रहे। आपका तभी भी आपका ऐसा होगा, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या, और जबकि वो स्टूडियो के अंदर रूम के अंदर बंद बैक प्रोजेक्शन में किया है। अरे भाई इतना बड़ा एक्टर कहाँ से लाओगे कि बैक प्रोजेक्शन हो रही है, कुछ है ही नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई रेस नहीं, अकेला बैठा हुआ आदमी उस पर किए जा रहा है, और आप देखिए क्लोजअप में सारी बातें। तो गंगा यमुना मैं कहता हूँ कि उनका परफॉर्मेंस अल्टीमेट, मतलब उनका डेथ सीन हो कोई भी हो, मैं तो उनकी फिल्मों में जार जार रोता हूँ, बार बार रोता हूँ, और शर्मिंदा भी फील करता हूँ कि बच्चा हूँ यार, इधर उधर देख के आंखें भी पोंछता हूँ, बट वो पावर है एक्टर की, परफॉर्मेंस है। तो बाकी अपनी अपनी जगह बहुत एक्टर हैं, अच्छे अच्छे एक्टर हैं, कोई किसी में कमी नहीं है, लेकिन क्या होता ना, एक घर में बहन भाई तो 8-10 होते हैं, लेकिन बाप तो एक ही होता है ना, बेटे कई होते हैं, बेटियाँ कई होती, बाप एक ही होता है। तो ये जो है ये हिंदुस्तानी सिनेमा के एक्टरों के बाप थे, बाप हैं, बाप रहेंगे, क्योंकि बाप बदला नहीं करते। तो दिलीप साहब मतलब एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, अजीम शख्सियत, एक समंदर कला का, टैलेंट का,
जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी गहराई का पता नहीं। यू कांट मैच दिलीप कुमार भाई। जिस तरह से ताजमहल दोबारा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, तो दिलीप साहब दोबारा पैदा कहाँ होंगे भाई? वो माँ ही नहीं रही जो दिलीप साहब जैसे शख्सियत को जन्म देती थी। दिलीप साहब मतलब वो खुदा थे, कुछ और मिट्टी के बने हुए थे, अल्लाह का कुछ खास उनके ऊपर रहमत थी, कुछ उनके स्पेशल थे वो। और यकीन मानिए, मैं बड़े बड़े कलाकार आए दुनिया में, किसी को छोटा नहीं कहता, एक से एक और चले गए अपने अपने टाइम पे। तो जब भी कोई कलाकार चला जाता था तो मैं अक्सर प्रेस वालों से टीवी चैनल सुनता था, आज एक युग ख़त्म हो गया। बहुत बार सुना, मुझे कभी बात समझ नहीं आती थी क्या होता है। पहली बार समझ में आया कि युग वाकई ख़त्म हो गया है। ऐसा लगता है अपनी फैमिली का कोई करीबी शख्स गया है। पहली बार ऐसा लगता है कि पर्सनल लॉस हुआ है, ना जहन से जा रहे हैं, ना दिमाग से, ना दिल से। अभी तक रोज़ कोई वीडियो आ रहा है, रोज़ कोई फिल्म आ रही है, रोज़ कोई प्रोग्राम हो रहा है। क्या बात है, जितना बोलो कम है। जितना बोला, लोग कहते हैं उनको पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, दादा साहब। अरे ये सब क्या है, उनको भारत रत्न देना चाहिए था जीते जी। अगर उन वो डिज़र्व नहीं करते तो दुनिया में कोई नहीं डिज़र्व करता। और माफ़ कीजिए, उन्होंने जिन जिन अवार्डों को लिया, उन अवार्डों की इज्जत बढ़ाई है लेके उन्होंने। दिलीप साहब की इज्जत नहीं बढ़ी, दिलीप साहब ने अवार्ड्स की इज्जत बढ़ाई है। इतनी बड़ी एक शख्सियत है, दिलीप साहब के बारे में बोलते बोलते रो दिए और हमें भी रुलाया। फिर भी चलते चलते आखिरी सवाल, जो इंडस्ट्री में नए लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सिंगिंग के लिए आते हैं, एक्टिंग के लिए आते हैं, तैयारी किए बगैर आते हैं, आप उनको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, उस वक्त भी लोग बिना तैयारी के आ जाते थे, जिसके माथे पे चार बाल गिरते थे उसको लगता था वो दिलीप कुमार है, जिसकी बॉडी अच्छी थी तो उसको लगता था वो धर्मेंद्र है। तो सबकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, लेकिन फिल्म लाइन में टिकने के लिए आप देखिए, बहुत से लोग आए, एक फिल्म की, फिल्म गोल्डन जुबली हो गई, रात रात में पागल भी हो गए, स्टार भी हो गए, और अगली सुबह पता नहीं था। तो यहाँ पहला काम तो है कि आपकी सिंसियरिटी, आपका डेडिकेशन, आपकी सीखने की भूख, आपकी सुनने की भूख, आपकी मेहनत। और आप ये मानिए कि मुझे कुछ नहीं आता, तब ही सीख पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप जब बात करते हैं तो मैं कहता हूँ मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, तो भाई आपने कहा ही नहीं तो मैं कैसे समझ गया। तो आदमी बोलने से नहीं सीखता, सुनने से सीखता है। तो मैं तो कहूँगा कि दिलीप साहब वो सीढ़ियाँ हैं जिस पे चढ़ के ना जाने कितने नॉन एक्टर एक्टर बन गए और बड़े बड़े स्टार बन गए। ये वो मंदिर की वो सीढ़ियाँ हैं। तो दिलीप साहब कुरान है, बाइबल है, गीता है एक्टिंग की। उन्हें देखिए, उन्हें सुनिए, उन्हें पढ़िए, बार बार पढ़िए, हज़ार बार पढ़िए। उसके बाद अगर आप उसमें से 10% 20% भी ले लेते हैं, सीख लेते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे और रहती दुनिया तक आप काम करेंगे। मैं तो इस जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, अपनी फीलिंग है, एक मेरी तरफ से, छोटे से कलाकार की तरफ से एक श्रद्धांजलि है हाथ जोड़ के, कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र करेंगी। आने वाली नस्लें हम पर फख्र करेंगी कि हमने दिलीप कुमार को देखा है। अवतार गिल साहब भावुक हो गए, जिस शख्सियत के बारे में उन्होंने कहा, दिलीप साहब के बारे में बहुत कहा, उन्होंने साथ काम किया, वक्त गुजारा। अवतार गिल साहब बहुत नसीब वाले हैं, उनका इंटरव्यू
सुनते सुनते हम भी भावुक हो गए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम पाजी।